शिवरात्रि और कावड़ यात्रा के मद्देनजर सिहारा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भारी संख्या में शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। बैठक के दौरान कार्यवाहक अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान नगर में दो दिन तक मीट और शराब की दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से त्योहार को आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने का आह्वान किया। सिहारा से नजर सिद्दीकी की रिपोर्ट। वहाँ पर जाते हैं और जो सिख हैं उनको खाना और उसमें सहयोग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सद्भाव के साथ सब लोग इस त्यौहार को मनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शिवरात्रि की बधाई देता हूँ। खाने का भी, पीने का भी, दवाई का भी, और हमारे भक्तों ने बात बताई, डॉक्टर मनोज साहब ने, कांता साहब ने, डॉक्टर मनी साहब ने, मुकेश भाई जी ने, अमित साहब ने भी। तो इंशाल्लाह यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होगी। मेरे डॉक्टर से हो जहाँ कोई बात हो ना जवाब ऐसा साहब, थोड़ा सा मैं दर्शन देना चाहता हूँ थोड़ा सा इस संबंध में, क्योंकि गन्ने का सीजन चल रहा है, ट्रैफिक तो ओवरलोडिंग का भी बहुत है, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, ये मुख्य नया जो मुख्य मार्ग है वो किसी भी दशा में खड़े नहीं होने चाहिए, अनेकों एक्सीडेंट होने की पूरी पूरी संभावना रहती है।